स्वागत है आपका फटाफट ज्ञात में। और मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, जिनसे कि रोज़ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं तीन तीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं नदियों से जुड़े। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आई हूँ कि मध्य प्रदेश की नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे कौन बसा है? ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, महेश्वर, पुनासा, धार, जबलपुर, नरसिंहपुर, हंडिया, बड़वानी, मंडला, बड़वाह, मंडलेश्वर और झाबुआ। ये नर्मदा अपने नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर हैं। जमल नदी के किनारे कौन है? श्योपुर, महू, रतलाम। बेतवा नदी के किनारे हैं ओरछा, सांची, विदिशा, गुना। ताप्ती नदी, मुलताई और बुरहानपुर जो शहर बसे हैं मुलताई ताप्ती नदी के किनारे। उसके बाद पार्वती नदी के किनारे जो बसे शहर हैं शाजापुर, आष्टा, राजगढ़। सिंधी नदी के पास बसे हैं शिवपुरी, दतिया। काली सिंध के पास बसे हैं बागली, देवास, सोनकक्ष। छिप्रा नदी के पास उज्जैन। खान नदी के पास है इंदौर। माही नदी के पास है धार, कुक्षी। तवा नदी के पास है तवानगर और पचमढ़ी। बैनगंगा के पास है बालाघाट, मतलब बालाघाट जो शहर है वो बैनगंगा के पास में है। बिछिया है वो रीवा के पास वाली नदी, मतलब रीवा जो शहर है हम ये कह सकते हैं बिछिया नदी के किनारे। और मंदसौर है सिवना नदी के किनारे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी चार दिन जो पेपर हुए उनमें नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये शहर कौन से नदी के किनारे, जैसे कि आज के पेपर में पूछा गया था कि महेश्वर है जो वो किस नदी के किनारे बसे, तो महेश्वर नर्मदा किनारे बसा हुआ है। चंबल नदी से आप याद कर सकते हैं भिंड मुरैना का इलाका है। तो शिवपुर, महू, रतलाम से होकर ही बहती है और उसी किनारे ये शहर बसे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके 3 नंबर पक्के कर सकता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।